हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए सीटेट की बेस्ट बुक्स की, यानी कि सीटेट की तैयारी अगर आपको करनी है तो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होंगी जो कि आपकी जबरदस्त और बेस्ट रहेंगी, जिससे आपका 100% क्रैक हो जाए। तो बहुत ज्यादा जो है कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, मतलब लाइव क्लासेस में भी हर रोज कोई ना कोई पूछता है कि बुक्स बता दो। हालांकि मैंने बहुत बार बहुत क्लासेस में बुक्स वगैरह बताई हैं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है, लेकिन ये वीडियो प्रॉपरली मैंने बुक्स के लिए ही बताई है। तो सारे राइटर्स और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है वो सारी बातें इसमें करने वाले हैं, प्राइमरी लेवल के लिए भी और सेकेंड वालों के लिए भी, यानी कि अपर प्राइमरी के लिए भी, और उसमें भी सोशल साइंस वालों के लिए और मैथ साइंस वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो सारी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं भाई, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे मिलेगी और सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो इसलिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहें और बहुत ही जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो, अगर ये बुक्स आपका जो है तैयार कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो 100% गारंटी है कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता सीटेट क्रैक करने से। सीटेट आपका क्रैक हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से इन बुक्स को फॉलो कर लेते हो। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की जगह चेंज भी हो सकते हैं आपके लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, इतना फर्क है। और सेकंड में आपका जो है अभी बताऊंगा मैं, यहाँ पे जैसे सीडीपी हो गया आपका और आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है। और जो आपके चेंज है, मतलब ईवीएस की जगह पे सोशल साइंस हो जाता है आपका सेकंड पेपर में, और साइंस वालों के लिए जो है जो साइंस साइड से है उनका साइंस और मैथ हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में क्या करना है आपको, जो आपकी थ्योरी वाली बुक है, यानी कि आप जो कॉन्सेप्ट बुक पढ़ेंगे वो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से एक बुक आती है मार्केट में, मैंने आपको दिखाई भी थी एक बार। तो उसका राइटर होंगे अरुण कुमार, एक होता है एसके मंगल। तो दोनों में से आप अगर दोनों ले सकते हैं, मतलब उसमें पैसे लगते हैं भाई बुक्स खरीदने में काफी, तो इसलिए कह रहा हूं अगर आपके पास सिर्फ एक बुक ही आप खरीदना चाहते हैं तो आप अरुण कुमार को खरीदेंगे, और अगर आप दोनों खरीद सकते हैं तो अरुण कुमार और आप एसके मंगल दोनों खरीद सकते हैं। ये बुक आपकी थ्योरेटिकल होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, क्लियर है। उसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ऑब्जेक्टिव में बुक चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में एक बुक आती है आपकी आर गुप्ता, और ये अभी न्यू बुक आई है, मैंने भी अभी देखी थी कुछ दिन पहले। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन्होंने काफी अच्छे दे रखे हैं और साथ में थ्योरी भी दे रखी है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, ये भी आपकी बेस्ट रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स में भाई एक अरिहंत की बुक ले लो। मतलब अरिहंत में देखो, कुछ लोग कहते हैं कि कमियां हैं, आंसर्स गलत देते हैं वो वगैरह, तो हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं, हम आंसर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बहुत ही बेसिक लेवल से दिया गया है, इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, केवल प्राइमरी वालों के लिए, सेकंड के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल प्राइमरी वालों के लिए। मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसको कवर करने के लिए आप अरिहंत की बुक लेंगे। अरिहंत की आप पूरी बुक भी ले सकते हैं जिसमें पांचों सब्जेक्ट होते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स की अलग भी ले सकते हैं, उसकी पांचों सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, तो वो ले सकते हैं। उसमें आपकी पैडागोजी भी कवर हो जाएगी, कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों देता है वो, साथ में दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आप डीपली पैडागोजी पढ़ना चाहते हैं उसके अलावा, तो आप पढ़ सकते हैं मतलब गणित शिक्षण शास्त्र नाम से एक बुक आती है, तो उसमें से आपको पूरी नहीं पढ़नी, आपको अपने टॉपिक्स लेने हैं सिर्फ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे हर किसी में, यहाँ पे जो है इसको तो पढ़ेंगे ही आप, कंटेंट को भी पैडागोजी को भी, लेकिन साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तब आपका बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ईवीएस पे, तो एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के लिए आप क्या करेंगे, कंटेंट वाले पोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्लास की, दो क्लास के आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी होगी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर आपके पैडागोजी के आते हैं और 15 आपके कंटेंट के, तो कंटेंट वाले जो 15 नंबर है उसमें से 12-13 नंबर जो है आपके कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी से, तो और उसके बाद जो ईवीएस पैडागोजी बचा, तो इसके लिए आप जो है ईवीएस पैडागोजी के लिए इसकी भी बुक आती है अलग से, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, तो वो बुक आप ले सकते हैं, या आप इसको अरिहंत की आप बुक लेंगे तो उसमें कंटेंट दिया हुआ है ईवीएस पैडागोजी का थोड़ा सा कुछ, तो उससे काम चल जाएगा आपका, या फिर आप अलग से लेना चाहें तो अलग से इसकी बुक आती है, ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, ये लैंग्वेज में आपके किसी भी लैंग्वेज में यही चीज फॉलो करनी है आपको, जैसे कि हिंदी अगर है तो हिंदी शिक्षण शास्त्र की एक बुक आती है आपकी, तो उससे हिंदी पैडागोजी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर अलग आपकी है संस्कृत की है, आई थिंक संस्कृत पैडागोजी मैंने देखी नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो या ना हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, तो हिंदी शिक्षण शास्त्र बुक आती है वो आप देख सकते हैं।
उसके अलावा आपके इसमें 15-15 नंबर के आते हैं दो पोर्शन, एक तो 15 नंबर का है हिंदी पेडागोजी और दूसरा जो 15 नंबर का है उसमें आपके पैसेज आते हैं प्रोज और पोएट्री यानी कि गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश के लिए जो है इसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं आती, ये कहीं पे आपको इसके नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि गद्यांश पद्यांश के नोट बनने का मतलब भी नहीं है। अनसीन पैसेज होते हैं, कभी देखे नहीं होंगे आपने तो नोट्स का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए अनसीन पैसेज के लिए आप क्या करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें यही सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है सिर्फ और कुछ नहीं। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं यानी कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें हमने लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो आपको सीटेट गाइडर के अंदर मिल जाएगा। तो उसमें आप ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अनसीन पैसेज सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, तो वीडियो आपको मिल जाएगी सबसे ऊपर ही, वो वीडियो देखें आप, उसमें तरीका बताया गया है। उसके बाद इंग्लिश भी सेम टू सेम है, इंग्लिश पैडागोजी की बुक आती है वो आप ले सकते हैं और पैसेज के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पेपर वालों की, तो जो तीन सब्जेक्ट है आपके सीडीपी हो गया हिंदी इंग्लिश हो गया, ये तीनों आपके कॉमन रहते हैं फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो ये दोनों में बराबर जो है ये जो बुक मैंने इसकी बताई है वही तरीका आपका सेम सेकंड पेपर में भी रहना है। उसके बाद जो अलग सब्जेक्ट है आपका वो है आपका सोशल साइंस, जो सोशल साइंस है उसके लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 6th से 8th तक की, यानी 6th, 7th और 8th तीन क्लासेस की आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी सोशल साइंस की, इससे बाहर कभी नहीं जाता और जाएगा भी नहीं। इसमें जो है आपको 15 नंबर की पैडागोजी आती है और लगभग 45 नंबर का आपका कंटेंट आता है, तो 45 नंबर का जो कंटेंट है आपका उसमें से कम 40 नंबर आपके फर्स्ट जाएंगे एनसीईआरटी से अगर आप इसको ढंग से तैयार कर लेते हैं। इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं आपके कंबाइंड, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स यानी कि आपका इतिहास भूगोल और नागरिक शास्त्र, तो तीनों आपको पढ़ने होंगे ओके। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको क्या करना है एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसमें आपको 6th से 9th क्लास तक की पढ़नी है क्योंकि इसमें लेवल थोड़ा सा कभी कभी आगे चला जाता है, तो अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं तो हाई स्कूल की भी पढ़ सकते हैं लेकिन 6th से 9th क्लास तक की कम से कम आपको पढ़नी है और इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। आप इधर उधर भागे फिरेंगे कि ये बुक पढ़ूं वो बुक पढ़ूं सामान्य ज्ञान की वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पे बेस्ड होकर एनसीईआरटी को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लो और बहुत इंटरेस्टिंग होती है आसान लैंग्वेज में होती है तो उससे बाहर आपका नहीं जाता। उसके बाद आपका अगर मैथमेटिक्स की बात करें क्योंकि इसमें साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स भी आपका आता है, तो इसमें क्या करना है आपको एनसीईआरटी का 6th to 8th तक का आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना है ठीक है। उसके अलावा प्लस में उसके बाद आपको सबसे पहले मतलब ये पहले करना है स्टेप बाय स्टेप है, ये भी ऐसा नहीं है कि पहले आप आर एस अग्रवाल कर रहे हैं उसके बाद एनसीईआरटी, नहीं पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे उसके बाद में आप आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स की बुक आती है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका जबरदस्त कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट है। तो ये बुक्स है आपकी। अब इन बुक्स के अलावा भाई एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम नोट्स अवेलेबल आपको कराते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं ले चुके हैं, तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो नंबर आप नोट कर लें पहले तो इसको जल्दी से, नंबर है आपका 8532855503। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है नोट्स लेने के लिए और आप अपने सब्जेक्ट वगैरह लिख के तब मैसेज करें, मतलब जैसे आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होता है फर्स्ट पेपर वालों का तो सब्जेक्ट का कोई नहीं होता सिर्फ लैंग्वेज में हो सकता है, बाकी सेकंड पेपर वालों का ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको साइंस के चाहिए या सोशल साइंस के, तो सोशल साइंस के अगर आपको चाहिए तो आप सब्जेक्ट का नाम लिख के तब मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आप इस पे करेंगे कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, कॉल आपका ना तो रिसीव किया जाएगा और ना ही कोई फायदा, इसलिए कॉल करके डिस्टर्ब आप ना करें, ये मतलब रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं करेंगे ओके। ये नोट्स आपके पैड हैं, इसका थोड़ा सा चार्ज लगेगा वो तभी बताया जाएगा आपको जब आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे ठीक है, बाकी प्रोसेस सब आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। बट ये है कि इन नोट्स से आप अगर ये नोट्स लेते हैं और ये नोट्स आप कंप्लीटली प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये इन्हीं बुक के अलावा इन बुक्स से तो किए गए हैं, इनके अलावा बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनसे निचोड़ करके नोट्स बनाए गए हैं, तो अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो फिर आपको इतनी सारी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे। ये सारी बुक्स अगर आप खरीदते हैं कम से कम 2-3 हजार रुपए की कम से कम ये बुक्स आपकी आएंगी, तो अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स मैंने आपको सारी बता दी हैं, इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, फिर आपका जो है कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कवर हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़े नोट्स हैं ओके। चलिए भाई, तो इसमें तो बस यही बताना था, बाकी क्लासेस आपको मिल रही है तो क्लासेस करते रहो, जो लोग नए हैं वो जुड़े रहो साथ में, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लो सब्सक्राइब के साथ साथ, सब्सक्राइब बटन करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना क्योंकि उससे लाइव क्लासेस की और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी लोग देख पाए और सबका बेनिफिट हो जाए, सबको फायदा मिल जाए ओके। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।